एक संख्या में 25% कमी करने पर यह 225 हो जाती है, इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जावे कि यह 375 हो जाए। ठीक है, पहले आप इस सवाल को देख लें, कह क्या रहा है। 25% कमी, 25% कमी। हाँ, कमी और वृद्धि की बात जब भी आती है, इस तरह के कई सवाल अभी आएंगे, तो पहले हम कमी और वृद्धि पर आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक चीज को ध्यान दीजिए, 100% कहते हैं इसको, 100% 100% है, 100/100, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 100% का वैल्यू 1 होता है। चलिए इसको ख्याल रखिए और हम इसी से अब आगे बढ़ेंगे और पीछे भी घटेंगे। 101 जब होगा बाय 100, वहां था 100/100, यहां है 100/100, इसको कहेंगे 1% वृद्धि। याद रखिए, इसको कहेंगे 1% वृद्धि। ठीक है, इस चीज को ख्याल रखना। यदि आपको 102 हो अब बट 100, तो इसको कहेंगे 2% वृद्धि। हाँ, एक चीज याद रखना, मैंने क्या कहा, 2%, सिर्फ 2% नहीं कहेंगे, फिर 2% का मतलब 2/100, मैंने पिछली क्लास में बताया, वो अलग है, यहाँ 2% वृद्धि है, ये दोनों टर्म को मिलाएंगे, 2% वृद्धि। ठीक है, अगर हम 2% का के छोड़ देंगे तो फिर ये अलग मैटर है, तब 2% कमी है कि या ज्यादा है, ये तो क्लियर नहीं है ना, ये 2% वृद्धि या कमी इस चीज को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि 2% वृद्धि की बात हो रही है, अब क्लियर हो गया ना कि बढ़ा हुआ है, सिर्फ 2% रहता तो कंफ्यूजन होता, 2% कमी कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है। ठीक है, यदि किसी संख्या का 2% तब तो कर लेते, उसका तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन जितना है उसमें देखे थे। आगे बढ़िए, यदि 103 रहेगा, 103 बट 100 रहेगा, इसको हम कहेंगे 3% वृद्धि। ठीक है, यदि 105 बट 100, तो इसको 5% वृद्धि कहेंगे। आगे आगे और अलग अलग बढ़े हुए का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 125 बट 100, इसको क्या कहेंगे, ये 25% वृद्धि कहेंगे इसको, कोई दिक्कत। यदि 150/100 होता उसको क्या कहेंगे, 150/100, इसको कहेंगे 50% वृद्धि। यदि आपको 200/100 होता तब कहते इसको हम क्या, 100 पर है ना, इसको कहते हम 200% वृद्धि। यदि यह, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, अरे नो, 200% वृद्धि नहीं, ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, यहां 100% वृद्धि, तब 100/200 हुआ। ठीक है, देखिए इसको जोड़िए ना, 125, 105, दोनों को जोड़िए इतना हो जाएगा, 100 में 2 जोड़िए इतना, 100 में 2 जोड़िए 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100% वृद्धि, 100% वृद्धि है।
ठीक है, अगर 300 बटे 100 होगा तब 200%, ठीक है ना, तब 200%। अब आइए कमी की तरफ चलते हैं, यदि 99/100 है तो इसको लिखेंगे 1% कमी। यदि ऐसा होगा 98/100 तो इसको क्या कहेंगे, 2% कमी। यदि 97/100 हो इसको कहेंगे 3% कमी। यदि 96/100 हो, ठीक है, देखिए 100 पर लाना है, यहां भी देखे थे ना, है? अब यहां हो जाएगा आपको 4% कमी। और यदि 95/100 हो तब हो जाएगा ये 5% लॉस, है कमी। इसी तरह से बड़ी राशि में जाएंगे, यदि 90 होता बाय 100 तो इसको 10% कमी कहते हैं। ये कमी की बात है, ये कमी परसेंट है ना, मतलब परसेंट कमी। यदि 75 होता बाय 100 तो इसको हम 25% कमी कहते हैं, कोई दिक्कत। यदि ये 50/100 है इसको कहेंगे 50% कमी। इस दोनों को जोड़िए 100 आ रहा था, आया इस दोनों को जोड़ते थे तो यह आ रहा था, ठीक है। अब आपने इस चीज को समझ लिया है कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, ठीक है। तो यहां जब कहेगा ये क्या कर रहा, प्रतिशत कमी तो 25% कमी, तो 25% कमी को लिखेंगे 75/100, ठीक है, 75/100 की। अब इसको आपने समझ लिया तब इस, अब इस कैटेगरी के सवाल को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं। अब आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें बेहतर हो। देखिए कह रहा है एक संख्या में 25% कमी करने पर, तो वो संख्या मान लेते हैं x, वो संख्या क्या है x, x में कमी कितने कर रहे हैं 25% की कमी, इसका मतलब है कि 75/100 लिखे कमी कर रहा है। यदि ये बात नहीं कही जाती, सिर्फ प्रतिशत तक ही रहता तो उसका x का 25/100 लिखते, x गुना 25/100 या कमी का, इसका मतलब उसमें घट गया तो 75/100 करने पर ये 225 ना हो जाती है, मैंने लिख ली। इसीलिए x का जो वैल्यू होगा या तो काट दीजिए 25 + 75 + 25 = 100 ना। अब यहां से ये कट जा रहा है, 3 × 7 = 21 = 22 3 × 5 = 15 75 × 5 = 20 0 / 2 7 × 28 = 2 30 x का वैल्यू 300। अब कहता है कि इसमें, मतलब किसमें, इस 300 में कितने प्रतिशत वृद्धि की जावे, कितने प्रतिशत वृद्धि की जावे, कितने वृद्धि नहीं, कितने वृद्धि, दो तीन में 75 जोड़ देंगे 375 हो जाएगा, 300 में कितना जोड़ेंगे 375 हो, कहता क्या इसमें, इसमें जो निकला है 300 में कितने प्रतिशत वृद्धि की जावे, 375 अगर सिर्फ यहाँ रहता है, यहाँ प्रतिशत नहीं आता, कितने वृद्धि की जावे या 375 हो जाता, तब क्या करते, तब सिर्फ 75 जोड़ देते। अब कहता है कि कितने प्रतिशत, सबसे पहले वृद्धि कितना हुआ है मालूम है ना, तो वृद्धि निकाल लीजिए, इसका वृद्धि कितना है, इसका वृद्धि कितना हो गया 375 में से 300 घटा दीजिए ना, आपको कितना है 75 ना, ये 75 वृद्धि कितना 75। अब 75 वृद्धि करेंगे थोड़ा, इसका प्रतिशत में निकालना, तो वृद्धि प्रतिशत ना, प्रतिशत वृद्धि, तो आपने पढ़ा है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वृद्धि गुना 100 किस पर 300 पर,
125 तिया 75 75% आपका आंसर है। समझे इसको, 25% आपका आंसर है। ठीक है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? पहले दोनों संख्याएं निकालेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का संबंध को पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो तीसरी संख्या, इसका जो तीसरी संख्या है वो कितनी होगी, क्योंकि तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहा है, तीसरी संख्या से, तो दो संख्या उधर निकलेगा, तीसरी संख्या से ही कोई कम होगा। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या, ये जो थर्ड नंबर है, ठीक है, वो थर्ड नंबर को मान लेते हैं एक्स। तीसरी संख्या क्या है? एक्स है। तीसरी संख्या हिंदी लिख लेते हैं, तीसरी संख्या एक्स है। तीसरी संख्या क्या मान लेंगे, तीसरी संख्या बराबर एक्स मान लिए, मान। अब कहता है कि पहली संख्या क्या होगी, आप खुद बताइए पहली संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या का 30%। तो 30% का क्या मतलब, एक्स गुना 3/10 होगा ना। 30% क्या मतलब है, 30/100 का 10 आई, 30 का 10 कट गया, 3/10 नहीं होगा, यानी कि आपको हो गया 3x/10। अब दूसरी संख्या की बात कही जाए तो दूसरी संख्या आपको क्या निकलेगा, 40%। ओ नो, यहाँ सिर्फ कम, यहाँ एक कहता है 30% कम है, 30% कम है, तो 100 में से 30 घटा दीजिए तो 70% नहीं, एक्स का, ये देखिए गलती कर दिए ना, क्या गलती कर दिए थे, एक्स का 70%, तो 7/10 हो जाएगा 70%, क्योंकि 70/100 होगा ना, उसी को कहेंगे 30% कम। 30% कम किसको कहेंगे, जो 70/100 होगा, तो 70 का 0 और 100 का 1/0 कट जाएगा, तो 7/10 हो जाएगा, यानी कि 7x/10 ये आपका निकला पहली संख्या। दूसरी संख्या 40% कम कह रहा है तीसरी से, तो तीसरी तो यही है, 40% कम है, जिसका मतलब 6/10 नहीं होगा, आपको आ गया 6x/10 आ गया। अब आपको कहता है कि पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या क्या है, इतना दूसरी संख्या का, तो पहले दोनों में इसका क्या निकालना है, कितना प्रतिशत है, तो x इक्वल टू कर दीजिए ना, ना दूसरी संख्या, आपको दूसरी संख्या कितना आया, आगे बढ़े। अब देखिए इसको मेन क्या किए थे, दूसरी संख्या, हाँ निकल गया, अब इसको पढ़िए, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या का माना, पहली संख्या 7x/10 का y प्रतिशत ये 6x/10, कोई दिक्कत,
चूंकि खाता कितना प्रतिशत है तो निकाल दे कितना प्रतिशत है। दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसीलिए y जब निकालेंगे तो आपको हो जाएगा, अच्छा एक चीज, इस x को मल्टीप्लाई में है, इस x को काट देते हैं आसान होगा, और ये 10 को काट देते हैं तो y इक्वल टू निकलेगा 6 और गुना हो जाएगा यहाँ 100/7 यानी कि 600/7 यही प्रतिशत है। इसको काटिए ना, 7 8 56 4 7 5 35 5 पाँच शेष बचा था ये 7 यानी कि 85.5/7 प्रतिशत। ठीक है, अगली सवाल, अब आपके सामने एक सवाल है कि दो संख्याओं का योग 2490 यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर हो तो ये संख्याएं क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं, माना पहली संख्या x है, पहली संख्या यहां लिखते हैं पहली संख्या बराबर, अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन कभी सर हमको तो सवाल सॉल्व करने से ना है। अब यहां देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 2490 माइनस एक्स, अब कहिए ये कैसे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2490 होगा, 2490 क्या है, सम है, जोर है, मतलब इस संख्या और इस संख्या के दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कट जाए, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 2490 होना चाहिए, दोनों का जोड़ एगो एक्स है इसका मतलब 2490 से कम होगा कोई, क्योंकि तो जोड़ है ना। अब पहली संख्या निकल गया आपको, दूसरी संख्या निकल गया है, ठीक है, तब कहता है कि यदि एक संख्या का 6.5% मान लीजिए x का, इसीलिए x का 6.5% मतलब 6/100 ये उड़ेगा तो 1000 है, बराबर है दूसरी संख्या के 2490 माइनस x इसके 8.5% ये बराबर है, ये उड़ेगा 8.5% के बराबर, ठीक है। अब तो कुछ नहीं, अब वही में x का वैल्यू निकालेंगे जो निकल जाएगा तो फिर 2490 में से x घटा देंगे, आंसर नहीं आ गया दोनों संख्या, चलिए ये 1000 कट गया बराबर के इस बार उस बार। अब देखिए इधर भी इससे पूरे को मल्टीप्लाई है, यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट में टर्म वन हो जाता है ना, तो वन टर्म यहाँ भी वन टर्म यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 13/5 65 17/5 50, ठीक है। और यदि इसको हम 13x करेंगे, या तो 13 उधर भेज सकते थे, नहीं 13x करेंगे, x इक्वल टू आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा 2490 माइनस 17x, नहीं नो नो नो, ये 2490 गुना 17 माइनस 17x, चूंकि 17 से दोनों में मल्टीप्लाई है, इसको जब हम इधर लाएंगे तो 13-17 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 × 10 के 0 बाकी 1 2 1 3, 30x इक्वल टू जाएगा 2490 गुना 17, अब इसको काट दीजिए, ये 0-0 कटिए गया, इस 3 से काटिए, 3 8 24 9 3 8 24 3 9 83 × 17, तो 83 × 17 कर लीजिए आपको कितना आ जाएगा,
83 गुना 17 27 एक बाकी दो 7 8 56 दो 58 8 बाकी 5 ये हो गया 3 ये हो गया 8 एक 8 बाकी 1 8 5 13 1411 ना आपका आया 1411। ये आपको पहली संख्या, तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो 2490 में से घटा दीजिए ना आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है 2490 माइनस 1411 ये हो जाएगा आपको 10 में से गया 9 न 8 में से गया ये 7 कितना बच गया 0 आई 1 यानी कि 1079 और 1411 ये ऑप्शन में हो जाएगा आपको इसका 1411 1079 ऑप्शन डी में। अब अगली सवाल देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी नाइन में कह रहा है किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है, इसके अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा हर में 20% वृद्धि करने पर भिन्न 1/3 हो जाता है तो मूल भिन्न क्या है। सबसे पहले कोई भी भिन्न जो है अंश और हर में होता है, अंश बटे हर होता है, तो कहता है किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। तो मान लेते हैं अंश एक्स, माना अंश एक्स ये सब माना होना क्या लिखेंगे भिन्न संख्या लिखते हैं भिन्न बराबर हो जाएगा एक्स बटे एक्स प्लस 7। अब कहिएगा ये कैसे हो गया, अरे माना होना यहां देखिए ना अंश से तो अंश अगर एक्स होगा तो हर हो जाएगा क्या अंश में 7 जोड़ दीजिए तब ना अधिक हो जाएगा जोड़ दिए तब कहा था इसके अंश में 10% वृद्धि करने पर। तो आपको मालूम है ना कि 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है 110 बटे 100 बटे कहता है तथा हर में 20% x प्लस 7 में 20% वृद्धि 120 बटे 100 करने पर 1/3 हो जाता है 1/3 हो जाता है तो मूल भिन्न क्या x का वैल्यू निकल जाएगा तो जो आएगा उतना बटे 7 जोड़ देंगे नीचे दोनों निकल जाएगा। अब देखिए निचला निचला तो कट गया ये 0 ऊपर का से कट जाता है। ठीक है अब आपको यही सॉल्व कर लेना है। ठीक है और ये हो जाएगा आपको 11x बटे ये हो जाएगा 12x प्लस 284 इक्वल टू जाएगा 1/3 इम्प्लाइज अगर किया 33x बराबर हो गया 12x प्लस 84 33x में से 12x गया कितना बचा 21x बराबर हो गया 84 21 से 84 x का वैल्यू निकल गया 4 x का वैल्यू कितना निकला समझे 21x बराबर 84 x का वैल्यू निकल गया 4 तो भिन्न क्या है तो मूल भिन्न क्या है मूल भिन्न क्या है मूल भिन्न है x बटे x प्लस 7 ये निकला 4 बटे 7 चल गया 4 बटे 11 आंसर नहीं हुआ 4 बटे 11 आंसर है। ठीक है यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है
मूल भिन्न क्या है, ठीक है, थोड़ा छोटा देख दिया है, पढ़ लीजिए। यदि एक भिन्न के अंश में 20%, ये 20% है 20%, तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो क्या। चलिए तो आप इन्हें बनाने की कोशिश करें। चलिए अब देखिए, यदि एक भिन्न की, तो भिन्न क्या होता है, अंश रहा, तो भिन्न क्या हो जाएगा, पहले तो मूल भिन्न निकाल लीजिए। मान लेते हैं मूल भिन्न क्या है, भिन्न ये हो जाएगा x बटा y। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दिया जाए ना, तो आपको मालूम है कि एक्स में 120/100 कहता है, वाई में मतलब हर में 125/100 कटिए गया, ये भी तो कटिए जाएगा ना, 5 से कटेगा, 5 × 10 5×20 25×5 = 125, यानी कि 24x/25 हुआ। तो मूल भिन्न क्या है, 24x/25 हुआ है। 40 का ऑप्शन क्या है, तो मूल भिन्न क्या है ना, आपको 24x/25 हुआ आया, निकल गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लिए। अब यहां देखिए, ये इसके बराबर निकला है जो अभी तक में जो किया है, इतना करने पर 20% का 25% वाला की बात कर दी, 24x/25 आ गया, तब कहता है इसके बराबर हमको 3/5 आता है, किसके बराबर, इसके बराबर। तो ये आपको इधर से इसका कैलकुलेशन है ना, अच्छा ठीक है, इनके अब देखिए, चूंकि 24x/25y = आपको है 3/5 है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, इसको हो जाएगा, यही तो नहीं, x/y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 गुना ये 24/25 है ना, उधर 25/24 हो जाएगा, 25/24 हो जाएगा, 25 × 3 = 24, यानी कि 5/8 आपका आंसर है, कोई दिक्कत। चलिए आपको बना ही लिया, एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि करने पर तथा हर में 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग होगा, प्रतिशत में मात्रा कौन सा भाग होगा। अच्छी बात है, प्रतिशत में मात्रा, तो एक स्टेप आगे जाता और ये एक स्टेप पहले हो जाए ना, एक भिन्न के अंश में 40% भिन्न तो x/y होता ही है, उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं x का 40% वृद्धि, यहाँ से देखिए 40% वृद्धि है, तो मतलब हो जाएगा 140/100 हर में 80% वृद्धि है, तो अच्छा y होगा ना, y गुना 180/100% ना, पहले उसको काट दीजिए, ये 0 0 कट गया, ये जगह 7 × 14 = 9 × 18, यानी कि इसका जो वैल्यू आया है 7x/9y, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7/9 × x/y, ये मूल भिन्न है, मूल भिन्न का 7/9, यही तो आपका आंसर, इसको लिख सकते हैं मूल भिन्न गुना 7/9 आपका आंसर है, समझे, कितना आंसर होगा, यही 7x/9y हुआ ना, x/y, तो बचा क्या, इसी x
बटे वाई का गुना का मतलब का सात बटे नौ है, कौन मूल भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को देखिए, यदि x y से 10% कम है तथा y 125 से 10% अधिक है तो x का मान क्या? सवाल से ऐसा नहीं लगता है कि पहले हमको ये निकाल लेना चाहिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% अधिक है नहीं लगता है, फिर ये मान सपोर्ट कर देगा, ऐसा लगता है ना? सवाल पढ़ने से ही लगता है कि इधर से इधर हमको जाना चाहिए। चलिए देखिए, y इक्वल टू आपका जो ये है, देख लीजिए y इक्वल टू कि आपका जो y है ये कितना लिखिए 125 का से अधिक है ना, तो 125 हो जाएगा 110/100 से अधिक की बात कर रहा है, 10% अधिक की बात कर रहा है, 125 से। अब आपको ये हो जाएगा, काट देना चाहिए, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100 है। अब अगर इसको भी काटना है तो ये हो जाएगा आपको 2 × 4 = 55 है, ये हो जाएगा 25 × 5 बाकी 2 × 25 = 227 275/2 ये y का वैल्यू निकला 275/2 ठीक है। अब देखिए, अब कहता है फिर चूंकि x जो है वो क्या है, y से 10% कम है तो y का वैल्यू ही दे दीजिए ना, 275/2 गुना 10% कम का मतलब होता है 90/100, x का वैल्यू यही निकल जाएगा, ये काट दीजिए हो जाएगा 45, इस ये तो कट ही जाएगा ना, ये हो जाएगा 55 × 5 = 55 × 5 = 175 20 × 5 = 100 तो फिर तो कट ही जाएगा, 4 × 5 = 20 और 9 × 5 = 45 ना। अब ये गुना हो जाएगा कितना, 9 × 5 = 45 × 5 = 4 × 9 = 45 = 4 × 49 = 495/4 एक्स का वैल्यू काटिए, 4 × 4 = 4 × 8 = 9 × 4 = 12 × 3 = 15 है, 123.3/4 या पॉइंट में देना है तो पॉइंट में, ऑप्शन में जो रहेगा उसी हिसाब से ठीक है। इस सवाल को गौर से देखिए, क्या कह रहा है, यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है, इस सवाल इसी को कई तरह से पूछा जाता है, एक कैटेगरी का बन गया तो इसमें ढेर सारे सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं अलग अलग कैटेगरी से, सेम प्रोसेस से बनेगा, देख लेते हैं इसको। जब कहता है ना वैसे 10% अधिक है, एक तो शॉर्ट में जब बनाते हैं तो डायरेक्ट इसको बनाते हैं कैसे मालूम है, इसको कुछ नहीं, जितना है अधिक का रहा है तो बस वही अधिक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको 110 कर देते हैं और गुना 100, यही 100%, यही आंसर होता है। काटिए, ये तो आपको जीरो एस का तो ये कटिए गया, बचा 100/11, 99/100, 11% यहाँ था, ये यही आंसर है ठीक है। जब ऐसे सवाल होता है, यदि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, नहीं पूछता है सवाल, है ना, वही फॉर्मूला है ना, है या नहीं, इसी टाइप से और दूसरे टाइप से भी पूछता है, चलिए इसको और भी तरीका से बनाते हैं ठीक है।
आगे देखते हैं क्या लिखा है। यदि x y से 10% अधिक है, यानी कि x जो है ये m2 इसको लिख देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y से 10% अधिक है, तो y गुना 110 अब बटे 100। कोई दिक्कत है, ये तो होगा ही ना। इंप्लाइज x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 11 y बटे 10 निकला ना। यदि y इक्वल टू निकालें, हमको y चाहिए तो क्या हो जाएगा, इधर 10 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बटा 11, नहीं होगा, होना तो है, यही तो होना। अब देखिए यदि डिफरेंस हमको चाहिए, कम कहता है तो डिफरेंस ही नहीं निकलेगा, तो x माइनस y हो जाएगा। अब कहता है तो कम ही, कितने प्रतिशत कम है, तो कम ही गुना 100 बटे, उधर जो लाभ हानि में करें मूल लगाते हैं तो वही पर, जिसे मूल पर, जिसे पर कहता है, तो किस पर कहता है, x पर कहता है, x से तो x पर कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस इंटू 100 बटे x, तो डिफरेंस इसीलिए x माइनस y गुना 100 करेंगे अब बटे x हो जाएगा इतना प्रतिशत। उन्नो यहाँ 100 लिखे तो यहीं प्रतिशत लगा देंगे, 100% मतलब एक होता है, इधर लगाए इधर लगाए बात बराबर है, तो x माइनस y का वैल्यू, x का x तो x ही रहेगा, x को रहने दो ना, माइनस y का y का y का मान है 10x बटे 11 गुना 100%, 100 ही रहने दो बाद में इसको, बटे x ये प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11x में से 10x जाएगा, 1x बचेगा, ये एलसीएम तो आना ही चाहिए सिंपल, तो ये हो जाएगा x बटे 11 गुना यहाँ 100 है अब बटे है x, ये ऊपर का कट ये गया, बचा क्या, वो एक ही तो इसको रहने दीजिए अभी, इतना प्रतिशत बचा क्या, 100 बटे 11%, 100 बटे 11%, 100 बटे 11% कोई तो लिखे थे 9.1/11%, आपका आंसर नहीं हो गया, हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए एम थर्ड, अगर ये है ऐसे, और भी तरीके से बना सकते हैं, जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि यही दो मेथड है। अब अगर हम इसको अगर 100 मान लेते हैं, अगर ये x 100 है, ठीक है, यानी y से पहले y को मान लेते हैं 100, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 110, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो फिर यही बात आएगी, किसी अगर हम 100 पर लेके जाते हैं ना प्रतिशत, क्या मतलब 100, इसको हम अगर 100 मान लें तो ये हो जाएगा 110, डिफरेंस हो जाएगा 10, डिफरेंस इंटू 100 बाय किस पर निकाल रहे हैं, तो x किसको माने थे, 110 वाला को देख लेते हैं, यही नहीं विश्वास को उसको कर लेते हैं ना। अगर हम इसको एम थर्ड मान लिया, सपोज y को मान लिया 100, क्योंकि y से निकाला है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 110, अब बचा तरह क्या होगा, यहाँ तो 100 वाली को दे ले रहे हैं, तो 110 हो जाएगा, तब ना 10% अधिक है, 10% अधिक मतलब 110, अब 110 आ गया, तो डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस हो जाएगा आपको 10, और डिफरेंस का ये जो अंतर है ना, यानी कमी, कमी कितना हो 10, तो कमी प्रतिशत बराबर कमी गुना 100, तो 10 गुना 100 अब बटे किस पर, x से निकाल, x पर निकाल, x किधर गया, किधर गया x, या x 110, 110 तो 11 दे 110, 11 बचा, फिर तो वही 100 बटे 11, फिर यही 9 पूर्णांक 1/11 ना, इतना परसेंट आपका आंसर। और इसी ये तरह तरह से पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है, लेकिन प्रोसेस इसका यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को पढ़िए एक बार,
क्या लिखा है, एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या क्या होती है। बढ़ी हुई संख्या जो बढ़ा हुआ, बढ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ 10% वृद्धि कर रहा है एक संख्या में। चलिए आगे देखते हैं, एक संख्या में मान लेते वो संख्या x है, x में 10% वृद्धि मतलब 110/100, तब कहता है कि बढ़ी हुई संख्या, अब ये तो बढ़ी हुई संख्या, इस संख्या में 10% कमी कर दिया मतलब 90/100, तब प्राप्त संख्या क्या है। देख लीजिए, इसका एक जीरो काट दिए, जीरो काट दिए, एक जीरो इसका कट गया, एक जीरो इसका कट गया, ये आपको आ गया x गुना, अगर न 99/100। अब देखिए x का कितना प्रतिशत है, कमी कर रहा है, कमी कर रहे पर प्राप्त संख्या तो में क्या होगा, प्राप्त संख्या जो ये संख्या प्राप्त है, आइए संख्या x, तो x में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी है, 99/100 इसका मतलब कम है, 101/100 तब होता है वृद्धि, आई है तो घट गया है, तो कितना 99/100 है तो क्या प्रतिशत घट रहा है, 1% की कमी हो गया, 99/100 के बारे में मैंने पहले भी लिखा है, इसीलिए 1% कमी, यही आंसर है आपका। दूसरे तरीका से मान लेते हो संख्या 100, माना संख्या कितना है, माना संख्या 100, कोई दिक्कत, अब है कि 10% वृद्धि करने पर तो 110 हो जाएगा, वृद्धि करके ना 100 में वृद्धि 110, तब कहा था 110 में फिर 90/10% कमी कर दी मतलब 90/110% कमी का क्या मतलब 90/100। अब देखिए ना ये 2 0 ये कट गया, अगर नम 99/100 है मूल संख्या, 99 आ गया है तो 100 पर कितना घटा है, 100 पर कितना घटा है, एक ना 1%, 100 पर जितना होता है तो कोई भी चीज उसी प्रतिशत कहते हैं, 100 पर अगर 100 पर कोई घटना 3% घटे तो 3 घटे तो 3%, 4% 4%, 100 पर जो है, जैसे एक बात देखिए, अगर 100 मार्क की एग्जाम है उसने 5 मार्क लाया तो 5% मार्क हुआ, यदि 95 मार्क्स लाया तो 95% लाया, यदि यहाँ पर 99 है 99% लाया, 100 पर की जब बात होती है, एक होता तो 1% लाता, अगर 100 हो गया तो 100% लाया, 100 को ही प्रतिशत कहते हैं ना, नहीं यही चीज है। चलिए आगे देखिए, तो कमी इसीलिए इसको क्या कहेंगे, 1% की कमी, यहां भी हुआ ना 100 पर कमी है, यदि यहां 101 आ जाता क्या 101 तब कहते 1% वृद्धि, तब कहते 1% वृद्धि, अगर 106 आता 6% वृद्धि, अगर ये 94 आता तो 6% कमी हो जाता, डाउन हो जाता, समझे इस सवाल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका सवाल है, एक पुस्तक के मूल्य में, एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब है कि कमी होगा या ज्यादा होगा, दोनों तो परिवर्तन ही है, बढ़ जाएगा तब भी परिवर्तन है, घट जाएगा तब भी परिवर्तन है, अब परिवर्तन नहीं तो यूं का क्यों रहेगा, तो दिखा जाएगा, देखते हैं। एक पुस्तक के मूल्य में मान लेते हैं वो पुस्तक का मूल्य एक्स रुपया है, 25% कमी तो 75/100 मालूम है के बाद प्राप्त मूल्य में, अब ये प्राप्त मूल्य है, इस मूल्य में 20% वृद्धि कर दिया 120/100, ठीक है 120/100, ये क्या कहता है, प्राप्त मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि की बात हो रही है,
अब देखिए 25 दिया 75 25 चौका है, यहाँ काट दीजिए ना, ये जीरो जीरो कट गया तो ये हो जाएगा 5 × 10 6 × 12 आपको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा छतरी के 18x बटे ये 5 × 20। अरे यहाँ भी तो कट रहा था कहीं, तो ये 6 × 4 को कट ही रहा था ना, ये हो जाएगा 9 × 18 10 × 20 बराबर हो जाएगा 9/10x। ओ नो, तो परिवर्तन तो यहाँ देख सकते हैं, ये तो 10 है तो 100 को ले जाइए ना, कितना होगा 10 को ले जाइए, गुना कर दीजिए, यहाँ पर यहाँ जो 10 से काटे नहीं काटना चाहिए था, वो अपने आंसर आ रहा था 90/100, ये 0 0 यहाँ 90/10 है तो ये 90/100 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना एक्स, लेकिन एक्स का ये कितना है 90/100, मतलब है कि 100 में कितना कमी है, 100 में पूरा क्या होता है 100%, 100/100 यहाँ 100 नहीं है, 90 है तो कमी क्या हुआ है 10 गुना है तो 10% कमी हो गया, इसीलिए 10% कमी, ये आंसर है आपका। ठीक है, अब दूसरा तरीका से 100 100 मान लीजिए, 100 अगर मान लीजिए बुक का कीमत कितना है, चलिए देखिए तो इसका, फिर अगर मान लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 25% कमी कर दिया 100 में तो 75% हुआ, और 75% 20% वृद्धि कर दिया नहीं तो 75 में ये हो जाएगा 120/100 काट कूट के जितना आएगा दोनों फिर कंपेयर कर लीजिएगा, और फिर कमी प्रतिशत निकाल दिया, कमी गुना 100 बटे कितना पर पा रहा है ना, तो प्राप्त मूल पर प्राप्त मूल से भगा दे दीजिएगा, बिल्कुल यही निकलेगा 10% कमी निकलेगा। ठीक है, अब आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, कह रहा है यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपया हो तो मकान का मूल्य ज्ञात करें। चलिए अब आपका यही सवाल है, तो मकान के मूल्य का 2/7% तो मकान का मूल्य यदि x है, x का 2/7% मतलब 100% मतलब क्या 1/100, ये आपका कितना है, ये आपको है 2800 रुपया। क्लियर है, आपका ये 2800 रुपया है, अब देखिए इसको काटिएगा यहां से, ऐसे इसको ऐसे करते, इसीलिए एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे, अभी आपको 2/700 आया है ना, ये हो जाएगा इधर जाने के बाद 2800 गुना 700, ठीक है, अब बटे हो जाएगा 2/700, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे 14 × 98 ये तो 1400 में बात था ना, 1400 पर 4 0 हो जाएगा 1 2 3 4 इतना रुपया आपका आंसर। दूसरे तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, आपको आ गया ना 2 2 4 0 1400, हाँ 1498/4, ठीक है, आपका यही आंसर होगा 980,000 यार इस मकान की कीमत। सवाल में कह रहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे, 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर बनाए, मतलब विकेट दो मतलब विकेटों के बीच जो दौड़ करके रन बनाया वो कितना प्रतिशत बनाया कुल रन के। तो सबसे पहले ये तो निकालना होगा ना, आखिर रन बनाया कितना दौड़ करके, तब ना उसका प्रतिशत निकालेंगे, पहले रन बनाया कितना, कितना में कितना रन बनाया, तो 100 में कितना बनाया, 100 में जितना बनाया वही प्रतिशत है, उसी को प्रतिशत करते हैं। चलिए देख लीजिए, पहले कुल रन 110 रन बनाए,
तो क्लियर है 110 रन बनाया, जिसमें कहा था 3 चौके तो 8 छक्के, 3 चौके मतलब 12, 8 छक्के मतलब 48, 48 12 कितना हो गया 60, 60 तो 2 विकेट के रन बनाया नहीं, 2 विकेट के नहीं, चौके और छक्के लगा करके 60 रन बनाया बिना दौड़े, बिना दौड़े रन कितना हुआ 60 रन। लिख देते हैं चूंकि 3 चौके प्लस 8 छक्के, 8 जो है 8 छक्के लगाए तो ये आपको कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 छक्के 48, ये हो जाएगा 60 रन। ये आपको बिना दौड़े, तो दौड़ करके कितना रन बनाए, इसीलिए दौड़ करके कितना रन बनाए, तो दौड़ करके कितना बनाए, ये हो जाएगा 110 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 50 रन, जो है कि वो दौड़ करके बनाए। तो इसका प्रतिशत यानी कि 50/110, ये तो 50 out of 110, 110 में 50 रन उन्होंने दौड़ के बनाए, तो 100 में कितना बनाया होगा, तो 100 में बनाने के लिए इसको 100% लगाते हैं। चलिए अब इसको हम काट देते हैं, इसी का जीरो काट दीजिए, नहीं 105/500/11 ना, इतना प्रतिशत। या इसको अगर हम लिखेंगे 11 चौके 44 6 11 5 55 5 से बच गया था, ये इतना प्रतिशत है जो हो 500/11 या उसको 45 पूर्णांक 5/11 नहीं हुआ 11 5 44 44 6 50 6 यहाँ हो गया तो 11 5 55 फिर 5 5 से बचा था 5 ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सवाल में ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, कहता है कि यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/3/9, ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन देखते हैं, 2/3% है, 2/3% यहाँ 2/3% वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपया अधिक मिलेंगे, तो उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है मासिक आय क्या है, एक्स मान लेंगे कोई दिक्कत, एक्स गुना द्वितीय छो तो 8/3% वृद्धि, अरे वृद्धि सिर्फ प्रतिशत रहता तो 8/3 × 1 कर देते, ये वृद्धि है तो जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, 3 × 6 = 8 तो 100 में ये जोड़ दीजिए इसको, 3 × 6 = 8 8 कितना हो जाएगा 3 आपको हो जाएगा 308 308/3 यही हुआ, इतना प्रतिशत वृद्धि है, ये 308/ इतना वृद्धि जा एक इतना प्रतिशत वृद्धि क्या मतलब है, यानी तो फिर इतना एक्स प्लस एक्स का इतना प्रतिशत करेंगे तो फिर बात बराबर है, बाद में जो रहे या अब ये इतना कर देंगे तो वो जुट जाता है, ठीक है तो 308/3 आए, 308/3 है वृद्धि कर रहा है तो ये हो जाएगा 308/3%, ये तो वृद्धि की बात थी, तब कह रहा है 72 रुपया अधिक मिलेंगे, था x रुपया तो x में 72% अब बढ़ गया, यही था मतलब एक्स था, अगर ऐसा ऐसा हुआ बढ़ा बढ़ोतरी हुआ इतना प्रतिशत अगर बढ़ा तो एक्स रुपया इसका बढ़ गया नहीं, इसको क्या करेंगे
ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 308x बटे 300 बराबर एक्स प्लस 72 इंप्लाइज इधर घट जाएगा, ये हो जाएगा 308 एक्स माइनस इधर अगर रहेगा तो ये 300 हो जाएगा 300x अब बटे 300 बराबर हो जाएगा 72। इस सवाल को फिर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 72 गुना 300 आठ नम 72 नौ दिया 2700 क्या 2700 क्या हुआ क्या हाँ 2700 ठीक है। क्या है कह रहा 25% सेल टैक्स है, ये बिक्री कर है, ठीक है सेल टैक्स है तो बिक्री कर सहित एक रेडियो का मूल्य 825 रुपया है तो सेल टैक्स कितना कितना प्रतिशत नहीं मांग रहा कितना तो 25% सहित मतलब उसको बढ़ा हुआ सेल टैक्स जुड़ा हुआ तब 825 रुपया यानी कि एक्स गुना 125 बटा 100 है ना तब है 825 रुपया नहीं है यही है ना यही है तो 25 × 125 25 × 100 काटिए इसको 5 × 3 = 30 × 2 = 25 165 × 4 इसीलिए एक्स इक्वल 165 क्या है 5×20 = 0 बाकी 2 × 24 = 26 × 6 = 2 × 4 = 6 60 रुपया कहता है उसका सेल टैक्स क्या 1460 का 25% निकाल दीजिए घटा हुआ ना घटेगा ना नहीं घटेगा वो तो जुड़ा हुआ था ना इसीलिए 660 60 का कितना हो जाएगा ये 25% यानी कि 75/100 25 × 3 × 4 = 4 × 4 = 24 क्या हुआ कितना हुआ पच्चीस परसेंट बिक्री सही आगे देखिए यहाँ 25/100 लिखते ना हरबरी में गड़बड़ी देखिए अब इसको अगर करते हैं 660 रुपया इसका क्या हो गया इस रेडियो का ये मूल्य है अब 660 रुपया में आपको 25% यानी कि 6 इसका निकाल दीजिए तो आपको 25 × 100 इसे काटे थे 165 आया था ना तो बराबर 165 रुपया सेल टैक्स है प्रतिशत नहीं 165 रुपया वो टैक्स दे रहा जोड़ लीजिए ना उतना हो जाएगा एक दलाल की कमीशन दर 4% से 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई प्रतिशत की कमी कमी और कमी प्रतिशत की बात हो रही है। चलिए इसको बनाने से पहले यहाँ देखिए अच्छा पहले जो इसका व्यापार था मान लेते हैं पहले व्यापार जो था
वो था क्या रुपया का, एक्स रुपया का, वो था व्यापार एक्स रुपया। और बाद वाला जो था, बाद में व्यापार कितना का हो गया उसका, बाद में व्यापार घटेगा पड़ेगा तो फिर व्यापारी उसका पड़ेगा ना, बराबर हुआ है। ठीक है, पहले कमीशन पहले निकाल दीजिए, पहले तो कमीशन होगा होगा उसका, वो कमीशन कितना हो जाएगा, एक्स का 4% है, 2500 एक्स बटे 25 ना। और दूसरे बार जो कमीशन था बाद में, कमीशन वो कितना निकल गया, बाद में कमीशन 5% है, तो वाई का 5/100 20/100 यानी कि वाई बटे 20 निकल गया। अब कहता है कमीशन में उसकी आय क्या है, आमदनी क्या, कमीशन है, कमीशन से में कमीशन में कोई अंतर नहीं आया है, तो कमीशन में जब अंतर नहीं आया है तो इसीलिए लिख ना दीजिए एक्स बटे 25 रुपया कमीशन और वाई बटे 20 रुपया कमीशन उसका सेम है। तो कितने प्रति उसके व्यापार में, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला हमको चाहिए, फर्स्ट वाला का चाहिए, इस पर मांग रहा है एक्स बटे 25 पर कितना प्रतिशत ना। तो इस दोनों वाई का वैल्यू कितना निकलेगा, वाई बटे 2 से कहां से आ गया, वाई बटे 20 है, काट को दीजिए ना, 5 × 20 25 तो वाई, इसीलिए वाई का वैल्यू जब निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 4x/5 नहीं हो जाएगा, ये कोना कोने जाएगा 5y = हो जाएगा 4x, इसीलिए y = 4x/5 होगा, होगा या नहीं होगा देख लीजिए इसको। अब व्यापार में जो कमी होगी, व्यापार में कमी, तो कमी क्या हो जाएगा, x - 4x/5 ये कमी हो गया। कमी प्रतिशत मालूम ही, कमी प्रतिशत बढ़ा उधर निकालते क्या, इसीलिए कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा कमी गुना 100, एक्स बटे 5 × 100 बटे क्या, यही कमीशन कौन है, पहले वाला कमीशन किधर गया, एक्स तो है, एक्स एक्स कट गया, ये 20% ये आपका आंसर क्या होगा, 20% आपका आंसर है।